एक पुजारी जंगल से गुजरते हुए अपने गांव जा रहा था। अचानक एक बाघ उसके सामने आया, लेकिन बाघ को पुजारी पर दया आई। कहाँ जा रहे हो दादाजी? बेटा, दादाजी एक शादी से लौट कर वापस गांव जा रहे हैं। शादी? उसका मतलब क्या होता है दादाजी? जब एक आदमी और औरत एक साथ रहना शुरू करते हैं तो उसे शादी कहते हैं। ओहो, ऐसा है क्या? तब तो मुझे भी शादी करनी है दादाजी। जान बचानी है तो मुझे कुछ उपाय सोचना होगा। ठीक है, तुम 2 दिन बाद मेरे घर आना, मैं तुम्हारी शादी एक सुंदर बागिन से करवा दूंगा। दादाजी, ओ दादाजी, मैं आ गया हूँ। लेकिन पुजारी डर के मारे घर से बाहर नहीं निकला। अच्छा, तुम आ गए। मैं शादी के लिए कुछ मंत्र पढ़ रहा हूँ। बाहर वाले पिंजरे में जाकर दरवाजा बंद करके बैठ जाओ। ये शादी की एक रस्म है। क्यों नहीं दादाजी, मैं अभी पिंजरे में जाके बैठता हूँ। मुझे पता नहीं था शादी के लिए इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। अयो, अरे मुझे नहीं करनी शादी, मैं तो मर गया। अरे बचाओ, अरे बचाओ। ये तो कोई बाघ है जिसे तैरना नहीं आता। चलो बचाती हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, सिर्फ तुमसे। मुझे मंजूर है। मैं बहुत खुश हूँ। ये सब उन पुजारी दादा के मंत्रों की वजह से हुआ है। पिंजरे में बंद होने की वजह से ही तो तुम मुझे मिली। चलो चल के दादाजी का आशीर्वाद लेते हैं। दादाजी, ओ दादाजी। अरे ये बाघ मरा नहीं, मुझे खाने के लिए ही वो अपने साथी को लेकर आया है। दादाजी, ओ दादाजी, जल्दी बाहर आओ, आपके आशीर्वाद से मेरी शादी हो गई। मैं अपनी बीवी को साथ लाया हूँ। दादाजी हमें आशीर्वाद दीजिए। दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है बेटा, मैं बहुत खुश हूँ।
मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। दक्षिणा रखकर तुम जा सकते हो। अंधेरे हाथ बटेर लग गया, अंधेरे में तीर लग गया।